कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें निर्णय लिए गए हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पिछले 2 वर्षों में मार्च 2020 से लेकर अब तक दुनिया भर में कोविड-19 पेंडेमिक एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत दुनिया के शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जिसने अब तक 199 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है, और एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 199 करोड़ 60 हज़ार के लगभग अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और इस सारा अधिकतर इसमें जितना भी सरकारी जगह पर हुआ सारा मुफ्त में वैक्सीन अब तक लगाने का काम किया गया है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, और आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी, पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो शुल्क के साथ शुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो, और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध